Good morning, students. Today we shall read your lesson number 5, God Sees the Truth But Waits by Leo Tolstoy. As you know, Leo Tolstoy is a famous Russian writer. Iski aur bhi kahani aap log padh chuke hain. Aaj dekhenge, God Sees the Truth But Waits. Ishwar satya ko dekhta hai, truth yani sachai, see ka matlab dekhna, but waits parantu pratiksha karta hai. In the town of Vladimir lived a young merchant named Ivan Dmitrich Aksanov. Vladimir naam ke ek town mein ek naujawan vyapari rehta tha. Uska naam tha Ivan Dmitrich Aksanov. He had two shops and a house of his own. Uski do dukane thi aur apna khud ka ghar tha. Aksanov was handsome, fair-haired, curly-headed fellow, full of fun and very fond of singing. एक्सनो बहुत हैंडसम था, सफ़ेद बाल, फेयर हेयर, कर्ली हेडेड फेलो, बाल उसके घुंघराले, फुल ऑफ फन एंड वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग. बहुत जॉली नेचर का था, खूब मजाकिया किस्म का, बहुत एंजॉय करने वाला, और उसे गाना गाना बहुत पसंद था. व्हेन क्वाइट अ यंग मैन ही हैड बीन गिवन टू ड्रिंक एंड वॉज राइटस. जब वो एकदम ही नौजवान था, उसे शराब पीने की आदत पड़ गई थी और वो जब शराब पी लेता था तो बहुत ही राइटस, बहुत क्वारलसम हो जाया करता था. व्हेन ही हैड टू मच बट आफ्टर ही मैरिड ही गेव अप ड्रिंकिंग एक्सेप्ट नाउ एंड देन. लेकिन उसकी मैरिज के बाद उसने शराब छोड़ दी, सिर्फ कभी कभार पी लेता था, अदरवाइज नहीं. One summer, Aksanov was going to the Nizhny fair, and as he bade goodbye to his family, his wife said to him, Ivan Dmitrich, do not start today, I have had a bad dream about you. One summer, ek garmi ki baat hai, Aksanov Nizhny fair ja raha tha. Nizhny ek fair hoga, mela hoga. और जब वो अपने फैमिली को गुड बाय करने लगा, अलविदा करने की बारी आई, तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, आइवन आज मत जाओ क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में खराब सपना देखा है. Aksanov laughed and said, You're afraid that when I get to the fair, I shall go on the spree. तुम्हें ऐसा लग रहा है, हंसते हुए Aksanov बोलता है कि जब मैं फेयर पहुंचूंगा, मेला पहुंचूंगा, तो मैं स्प्री यानी बहुत खर्चीला हो जाऊंगा, बहुत पैसे इधर उधर खर्च करने लगूंगा. His wife replied, I do not know what I am afraid of. All I know is that I had a bad dream. उसकी पत्नी कहती है कि मुझे नहीं मालूम मुझे किस बात का डर लग रहा है, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे बारे में एक खराब सपना देखा है. आई ड्रीम्ड यू रिटर्न फ्रॉम द टाउन एंड व्हेन यू टुक ऑफ योर कैप आई सॉ दैट योर हेयर वाज क्वाइट ग्रे. मैंने सपना देखा है कि जब तुम शहर से लौटे हो, मेले से लौटे हो, और जब तुमने अपनी कैप उतारी है, तुम्हारा बाल सफेद हो गया है, ग्रे हो गया है. Aksanov laughed. That's a lucky sign, said he. See if I don't sell out all my goods and bring you some presents from fair. ये तो बहुत ही शुभ सपना देखा है तुमने, बहुत लकी है. मैं अपने सारे गुड्स देखना सेल करके और तुम्हारे लिए अच्छा प्रेजेंट लेके आऊंगा मेले से. सो ही बेड गुड बाय टू हिज फैमिली एंड ड्रो अवे. उसके बाद उसने अपने परिवार को अलविदा किया और निकल गया. व्हेन ही हैड ट्रैवल्ड हाफ वे ही मेट अ मर्चेंट हुम ही न्यू. जब वो आधे रास्ते तक दूरी तय कर चुका था तो उसे एक मर्चेंट मिला, उसे एक व्यापारी मिला जिससे वो पूर्व परिचित था, पहले से जिससे पहचान थी. एंड दे पुट अप एट द सेम इन फॉर द नाइट. दोनों एक ही इन में, एक ही सराय में रात में रुके. दे हैड सम टी टुगेदर एंड देन वेंट टू बेड इन एडजॉइनिंग रूम्स. आपस में एक साथ बैठ के उन्होंने चाय पी और उसके बाद सोने के लिए एडजॉइनिंग रूम्स में, पास पास के लगे हुए कमरों में दोनों चले गए. It was not Aksanov's habit to sleep late and wishing to travel while it was still cool. He aroused his driver before dawn and told him to put in the horses. Aksanov की आदत नहीं थी कि वो काफी देर तक सोता और वो ये भी चाहता था कि ट्रैवल कर लूँ, जल्दी ट्रैवल कर लूँ, जब तक कूल है, मौसम ठंडा है. तो सूर्योदय के पूर्व, डॉन के पूर्व उसने अपने ड्राइवर को उठा दिया और उससे कहा कि घोड़ों को तैयार करो.
Then he had made his way across to the landlord of the inn, who lived in a cottage at the back, paid his bill and continued his journey. उसके बाद उस सराय के मालिक के पास वो गया जो पीछे के ही एक कॉटेज में रहता था, अपने बिल चुकता किए जो उसके रात के ठहरने का खर्च था और अपनी यात्रा पे आगे निकल पड़ा. When he had gone about 25 miles, he stopped for the horses to be fed. लगभग 25 मील की दूरी तय करने के बाद उसने अपने घोड़ों को फीड कराने के लिए, खाना खिलाने के लिए, चारा देने के लिए रोका. Axeno rested a while in the passage of the inn, then he stepped out into the porch and ordering a samovar to be heated, got out his guitar and began to play. थोड़ी देर उस सराय के पैसेज में सामने बैठ के उसने इंतजार किया, उसके बाद पोर्च में आ गया, वहां पे उसने ऑर्डर दिया समोवर, एक प्रकार का केटल चाय बनाने के लिए, उसको पानी गर्म करके चाय बनाओ, ऐसा ऑर्डर देने के बाद उसने अपना गिटार निकाला और गिटार बजाने लगा. सडनली अ ट्रैका ड्रो अप विद टिंकलिंग बेल्स. ट्रैका एक रशियन कैरेज होती है जिसको तीन हॉर्सेस पुल करते हैं, तीन घोड़े लगे होते हैं. तो एक ट्रैका आके रुकी, उसमें हॉर्स की जो बेल्स थी, हार्नेस बेल्स, वो बज रही थी. एंड एन ऑफिशियल अलाइटेड. उसमें से एक ऑफिशियल, एक अफसर डिसमाउंट हुए, उतरे, फॉलोड बाय टू सोल्जर्स, उनके पीछे पीछे दो सैनिक थे. He came to Axeno and began to question him, asking him who he was and whence he came. वो ऑफिसर एक्सेनो के पास आया और उससे पूछने लगा कि तुम कौन हो, कब आए. Axenov answered him fully and said, "Won't you have some tea with me?" Axenov ने सारी बातों का जवाब दिया कि मैं मेले के लिए निकला हूँ, रात को मैं एक सराय में ठहरा था, सारी चीजें उसने बताई. ये भी पूछा, आप मेरे साथ चाय लेंगे? But the official went on cross-questioning him and asking him, "Where did you spend last night?" पर वो ऑफिसर जो था, जो अफसर था, वो लगातार प्रश्नों पे प्रश्न पूछता गया, क्रॉस क्वेश्चनिंग करता गया. कहाँ बिताई तुमने कल रात? Where you alone or with a fellow merchant? तुम अकेले थे या तुम्हारे साथ में कोई दूसरा व्यापारी भी था? Did you see the other merchant this evening? उस दूसरे व्यापारी को तुमने आज सुबह देखा? Why did you leave the inn before dawn? और तुमने सराय सुबह होने से पहले क्यों छोड़ दी, सूर्योदय के पहले क्यों छोड़ दी? Axeno wondered why he was asked all these questions, but he described all that had happened and then added, "Why you cross-question me as if I were a thief or a robber?" एक्सेनो को लगा कि इतने सारे प्रश्न मुझसे क्यों पूछे जा रहे हैं, वो भी पुलिस पूछ रही है. फिर भी उसने सारी चीजों को बताया और कहा, मुझे आप इस तरह से मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं जैसे कि मैं कोई चोर या रॉबर हूं. आई एम ट्रैवलिंग ऑन बिजनेस ऑफ माय ओन एंड देयर इज नो नीड टू क्वेश्चन मी. मैं अपने बिजनेस के कारण, अपने व्यापार के कारण ट्रैवल कर रहा हूं, यात्रा कर रहा हूं, और मुझसे इतने प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है. Then the officer calling the soldiers said, "I am the police officer of this district and I question you because the merchant with whom you spent last night has been found with his throat cut." मैं यहाँ का जिले का पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं तुमसे इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि जिस व्यापारी के साथ कल रात को तुम रुके थे, आज सुबह उसका गला कटा हुआ पाया गया, किसी ने उसका मर्डर कर दिया. We must search your things. तुम्हारे सामान की हमें तलाशी लेनी होगी. They entered the house. The soldier and the police officer unstrapped Axeno's luggage and searched it. वो लोग सराय में गए, एक्सेनो का बैग निकाला और उसको सर्च करना शुरू किया. Suddenly the officer drew a knife out of a bag, crying, "Whose knife is this?" अचानक उसके एक बैग के अंदर से एक नाइफ, एक चाकू निकला बड़ा सा. पुलिस ऑफिसर पूछता है, ये किसका चाकू है? Axeno looked and seeing a blood-stained knife taken from his bag, he was frightened. Axeno ने देखा कि उसके बैग से एक बड़ा सा चाकू निकाला गया है जिसमें खून लगा हुआ है, blood-stained knife है. वो बहुत डर गया, frightened का मतलब डरना. How is it there is blood on this knife? कैसे इस चाकू पे कैसे खून लगा हुआ है, पुलिस ऑफिसर्स पूछते हैं. Axenov tried to answer but could hardly utter a word. Axenov ने जवाब देने की कोशिश की पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला. And only stammered
स्टैमर्ड यानी हकलाना, स्टटर करना. आई डोंट नो, नॉट माइन, मैं नहीं जानता, मेरा नहीं है. देन द पुलिस ऑफिसर सेड, दिस मॉर्निंग द मर्चेंट वॉज फाउंड इन बेड विथ हिज थ्रोट कट. पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि आज सुबह वो व्यापारी मरा हुआ पाया गया, उसका गर्दन कटी हुई थी और उसी बिस्तर पे. यू द ओनली पर्सन हु कुड हैव डन इट, तुम अकेले आदमी हो जो ये कर सकता है. द हाउस वॉज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड एंड नो वन एल्स वॉज देयर. वो सराय अंदर से बंद थी, लॉक था और कोई और वहां पर नहीं था. हियर इज दिस ब्लड स्टेन नाइफ इन योर बैग, और ये देखो खून से सना हुआ चाकू तुम्हारे बैग से निकला है. एंड योर फेस एंड मैनर बिट्रे यू, तुम्हारे चेहरे से तुम्हारे तरीके से साफ पता चल रहा है. टेल मी हाउ यू किल्ड हिम एंड हाउ मच मनी यू स्टोल. बताओ कैसे मारा और कितना पैसा चुराया उसके पास से. Aksinov saw he had not done it, that he had not seen the merchant after they had tea together. Aksinov बोलता है, कसम खाता है, मैंने ऐसा नहीं किया है. चाय पीने के बाद में हम साथ में चाय पिए, उसके बाद तो मैंने उसे देखा ही नहीं. That he had no money except 8,000 rubles of his own. मेरे पास में मेरे अपने 8,000 rubles है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है. And that the knife was not his. और ये जो चाकू है ये तो मेरा है ही नहीं. But his voice was broken, his face pale, and he trembled with fear as though he was guilty. पर उसकी आवाज, चूंकि वो डरा हुआ था, एकदम टूटी हुई, चेहरा येलो पेल हो गया और डर से कांपने लगा जैसे कि वो अपराधी है, गिल्टी है. पुलिस ऑफिसर ऑर्डर द सोल्जर टू बाइंड Aksinov एंड पुट हिम इन द कार्ट. पुलिस ऑफिसर ने ऑर्डर किया अपने सैनिकों को, Aksinov को बांधो और इसे कार्ट में, घोड़े गाड़ी में डाल दो. एज दे टाइड हिज फीट टुगेदर एंड फ्लंग हिम इनटू द कार्ट, Aksinov क्रॉस्ड हिमसेल्फ एंड वेप्ट. जब उन लोगों ने उसे बांध के उस कार्ट में डाल दिया, Aksinov बेचारा रोने लगा. हिज मनी एंड गुड्स वर टेकन फ्रॉम हिम एंड ही वाज सेंट टू द नियरेस्ट टाउन एंड इम्प्रिजन्ड देयर. उसका पैसा, उसका सामान, सब कुछ उससे ले लिया गया और पास के टाउन में उसे कैद कर दिया गया. इंक्वायरीज एज टू हिज कैरेक्टर वेयर मेड इन व्लादिमीर. उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में इंक्वायरीज की गई व्लादिमीर जहाँ का वो रहने वाला था, कि किस तरह का है ये आदमी. द मर्चेंट्स एंड अदर इनहैबिटेंट्स ऑफ दैट टाउन सेड दैट इन फॉर्मर डेज ही यूज्ड टू ड्रिंक एंड वेस्ट हिज टाइम बट दैट ही वॉज अ गुड मैन. शुरू में जैसा आपको बताया गया है कि पहले वो काफ़ी ड्रिंक किया करता था, लेकिन अपनी शादी होने के बाद उसने इन सारी चीज़ों को कभी कभार करता था, अदरवाइज वैसा क्वारलसम राइटस नहीं रह गया था. यही बात वहाँ के जो मर्चेंट होते हैं, दूसरे इनहैबिटेंट्स होते हैं, निवासी होते हैं, वो लोग इस बात को बताते हैं कि शुरू में इसकी आदत थी शराब पीने की और लड़ाई झगड़े करने की, टाइम वेस्ट करने की, परंतु वो अच्छा आदमी है. Then the trial came on. उसके बाद मुकदमा शुरू हुआ. He was charged with murdering a merchant from Ryazan and robbing him of 20,000 rubles. उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि उसने एक फेलो मर्चेंट का, एक व्यापारी का कत्ल किया है, मारा है, जो Ryazan का रहने वाला था, और उससे उसके 20,000 rubles चुराए हैं, छीने हैं. His wife was in despair. उसकी पत्नी बहुत निराश हो गई Aksinov की. उसने तो पहले ही कहा था कि मैंने तुम्हारे बारे में एक खराब सपना देखा है कि जब तुम वापस आए हो तो तुम्हारे बाल बिल्कुल सफेद हो गए हैं. And did not know what to believe. वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं किस बात का भरोसा करूं. Her children were all quite small. बच्चे उनके बहुत छोटे थे. One was a baby at the breast. एक बच्चा बिल्कुल गोद में था. Taking them all with her, she went to the town where her husband was in jail. अपने सारे बच्चों को लेके वो अपने हस्बैंड के पास गई जहां उसका हस्बैंड जेल में बंद था. एट फर्स्ट शी वॉज नॉट अलाउड टू सी हिम. शुरू में तो उसे मिलने नहीं दिया गया उसके पति से. बट आफ्टर मच बेगिंग शी ऑब्टेन्ड परमिशन फ्रॉम ऑफिशियल्स एंड वॉज टेकन टू हिम. बहुत ज्यादा उसने प्रार्थना की कि मुझे अपने पति से मिलने दिया जाए. उसे परमिशन मिली ऑफिशियल से और उसे वहां ले जाया गया. When she saw her husband in prison dress and in chains, shut up with thieves and criminals, she fell down and did not come to her senses for a long time. जब उसने देखा कि उसके पति ने कैदियों की वर्दी पहनी हुई है, कैदियों की ड्रेस पहनी हुई है, चेन्स से बंधा हुआ है और अपराधियों के साथ, thieves और criminals के साथ बंद है, वो गिर के बेहोश हो गई. काफी समय तक उसे होश नहीं आया. Then she drew her children to her and sat down near him.
उसके बाद अपने बच्चों के साथ वो वहां पर बैठ गई. She told him of things at home and asked about what had happened to him. घर के बारे में सारी बातें उसने बताई. उसके बाद उसने पूछा कि बताओ ये सब कैसे हो गया. He told her all and she asked what can we do now. जो भी हुआ था एक्सनोव के साथ उसने अपनी सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और वो पूछती है कि अब हम क्या करें. We must petition the Tsar not to let an innocent man perish. हमें जार को, जार रशियन रूलर शासक, हमें उनको एक पेटीशन, एक प्रार्थना पत्र, एक याचिका देनी चाहिए कि एक निर्दोष को पेरिश यानी सजा ना हो. His wife told him that she had sent a petition to the Tsar, but that it had not been accepted. उसकी पत्नी बताती है कि मैंने एक पेटीशन, एक याचिका जार को दी थी, परंतु उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया. Aksinov did not reply, but only looked downcast. Aksinov ने कोई भी जवाब नहीं दिया और सिर्फ चुपचाप सिर झुका के देखता रहा. Then his wife said, "It's not for nothing I dreamt your hair had turned grey." उसकी पत्नी कहती है, देखो इसीलिए ही मैंने नहीं देखा था कि तुम्हारे बाल बिल्कुल ग्रे हो गए. You remember? You should not have started that day. उस दिन तुम्हें अपनी जर्नी, उस दिन अपनी यात्रा शुरू नहीं करनी चाहिए थी. And passing her fingers through his hair, she said, "Ivan dearest, tell your wife the truth. Was it not you who did it?" ये एक बहुत बड़ा शौक था जो एक्सनोव को उसकी अपनी पत्नी से मिला. उसकी पत्नी उसको कंसोल करती है और बोलती है कि आइवन, अपनी पत्नी से सच बोलो. तुमने तो मर्डर नहीं किया है उस व्यापारी का. So you do suspect me, said Aksinov, and hiding his face in his hands, he began to weep. तुम भी मेरे ऊपर शक कर रही हो. और अपना चेहरा हाथों में छुपा के वो रोने लगा. Then a soldier came to say that the wife and children must go away, and Aksinov said goodbye to his family for the last time. उसके बाद एक सिपाही आया, उसने कहा कि अब आप लोगों को जाना है, मिलने का समय खत्म हुआ. एक्सनोव अपने परिवार को गुड बाय करता है और ये अंतिम मुलाकात होती है उसके अपने परिवार से. When they were gone, Aksinov recalled what had been said, and when he remembered that his wife had also suspected him, he said to himself. जब वो लोग चले गए, एक्सनोव ने जो भी बातें उसने अपनी पत्नी के साथ की थी उसको याद करता है. और जब उसे इस बात का ख्याल आता है कि उसकी पत्नी भी उसके ऊपर शक कर रही है, संदेह कर रही है कि कहीं मर्डर मैंने तो नहीं किया है, यानी एक्सनोव ने तो नहीं किया है, वो अपने आप से कहता है, It seems that only God can know the truth. It is to Him alone we must appeal, and from Him alone expect mercy. एक्सनोव बोलता है, मुझे लगता है सिर्फ ईश्वर को ही सच्चाई का पता है, तो अब हमें सिर्फ प्रार्थना ईश्वर से करनी चाहिए और उन्हीं से मर्सी की, दया की उम्मीद करनी चाहिए. अब कोई नहीं, कोई विश्वास नहीं करेगा. अपनी पत्नी विश्वास नहीं कर रही है तो बाकी पुलिस ऑफिसर, जार, ये लोग विश्वास क्यों करेंगे. एंड एक्सनोव रोट नो मोर पिटिशंस, गेव अप ऑल होप एंड ओनली प्रेड टू गॉड. एक्सनोव ने उसके बाद किसी को भी पिटिशन नहीं दिया, प्रार्थना पत्र नहीं लिखा कि उसे रिलीज किया जाए. सारी उम्मीदें छोड़ दी और सिर्फ ईश्वर की प्रार्थना करता रहा. एक्सनोव वॉज कंडेम्ड टू बी फ्लॉग्ड एंड सेंट टू द माइंस. पुराने समय में जो अपराधी हुआ करते थे उनको फ्लॉग किया जाता था, विप से, घोड़े से मारा जाता था और उसके बाद उनको माइंस में काम करने भेज दिया गया. सो ही वॉज फ्लॉग्ड विद अ नाउट एंड व्हेन द वुंड्स कॉज्ड बाय द नाउट वेर हील ही वॉज ड्रिवन टू साइबेरिया विद अदर कन्विक्ट्स. पहले तो बहुत मारा गया उसको घोड़े से, उसके बाद जो घाव बने थे वो घाव जब हील हो गए, वो जब घाव भर गए कोड़े के, उसके बाद उसको वहां से साइबेरिया ले जाया गया. जैसे काला पानी वैसी साइबेरिया, बहुत ठंड पड़ती है, एकदम क्रूएल कोल्ड जिसको कहा जाए, निर्दयी ठंड. तो बाकी सारे कन्विक्स के साथ में, बाकी सारे अपराधियों के साथ में एक्सनोव को साइबेरिया ले जाया गया. For 26 years, Aksinov lived as a convict in Siberia. 26 सालों तक Aksinov साइबेरिया में एक convict की तरह से, एक अपराधी की तरह से रहा. His hair turned white as snow and his beard grew long and grey. बाल एकदम बर्फीले सफेद हो गए,
एज और दाढ़ी बहुत लंबी और सफेद ग्रे हो गई. All his mirth went, he stooped, he walked slowly, spoke little and never laughed, but he often prayed. सारी मर्थ सारी खुशी खत्म. झुक गया वो उम्र के कारण. स्टूप झुकना, पीठ झुक जाती है, बैकबोन. धीरे धीरे चलता था. ही वॉक स्लोली, स्पोक लिटिल, किसी से बात नहीं करता था. हंसता तो कभी भी नहीं था, नेवर लाफ्ड, बट ही ऑफन प्रेड, अक्सर ईश्वर से प्रार्थना किया करता था. इन प्रिजन एक्सनोव लर्न टू मेक बूट्स एंड अर्न अ लिटिल मनी विथ विच ही बॉट द लाइव्स ऑफ द सेंट्स. प्रिजन में, जेल में कैदियों को कुछ काम सिखाया जाता है, तो जेल में उसने जूते बनाने सीखे और उससे कुछ पैसे अर्न किए, उससे कुछ पैसे कमाए और उससे उसने एक किताब खरीदी, द लाइव्स ऑफ द सेंट्स. अंडरलाइन कर लीजिए, महापुरुषों की जीवनी. He read this book when it was light enough in the prison, and on Sundays in the prison church, he read the epistle and sang in the choir, for his voice was still good. उसके बाद इतना ज्यादा आध्यात्मिक, इतना ज्यादा स्पिरिचुअल हो गया एक्सेनोव, जो भी उसके साथ में मिसफॉर्च्यून्स आए, जो भी उसको सजा भुगतनी पड़ी, कि बस जब जेल में रोशनी हुआ करती थी, पर्याप्त रोशनी, तो उस समय बस वो वही किताब पढ़ा करता था, द लाइव्स ऑफ द सेंट्स. और संडेज को जब प्रिजन चर्च में उनकी अपने तरीके से जो वो पूजा करते हैं, कॉयर होता था, कोरस गाया करते थे वो लोग, या एपिसल जो रिलीजियस लेटर होता है, एपिसल एक प्रकार का रिलीजियस लेटर है, धार्मिक पत्र है, उसको पढ़ना होता था, तो ये सारी चीजों के लिए एक्सेनोव को बुलाया जाता था, क्योंकि उसकी आवाज अभी भी अच्छी थी. द प्रिजन अथॉरिटीज लाइक एक्सेनोव फॉर हिज मीकनेस. बहुत हम्बल, बहुत विनम्र था. और मिसफॉर्च्यून्स ने, परिस्थितियों ने उसको और विनम्र बना दिया था और शांत, सबमिसिव नेचर का हो गया था. तो जो प्रिजन अथॉरिटीज थे, जो जेल के अधिकारी लोग थे, वो एक्सेनोव को उसकी मीकनेस के कारण, उसके हम्बलनेस के कारण बहुत पसंद किया करते थे. एंड हिज फेलो प्रिजनर्स रिस्पेक्टेड हिम, दे कॉल्ड हिम ग्रैंडफादर एंड द सेंट. जो बाकी फेलो प्रिजनर्स थे, जो बाकी कैदी थे, वो बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट किया करते थे एक्सेनोव की, और उसे ग्रैंडफादर या सेंट, यानी दादाजी या महापुरुष कह के बुलाया करते थे. तो आप देख रहे हैं कि एक एक्सेनोव जो अपने समय में काफी हिंसक था, कितना बदल गया परेशानियों के कारण. परिस्थितियों ने एक्सेनोव को पूरी तरह से बदल के रख दिया. जो मिसफॉर्च्यून उसके ऊपर आया, जो दुर्भाग्य उसके ऊपर आया, उसने पूरी तरह से एक्सेनोव का व्यवहार चेंज कर दिया. हमेशा खुश रहने वाला, हंसने वाला, बात करने वाला और बहुत जॉली नेचर का एक्सेनोव. जब उसके ऊपर इस तरह की विपत्ति आई, जब उसके ऊपर इस तरह की बातें आई, जब इस तरह का उसके ऊपर आरोप लगा और किसी ने उसका भरोसा नहीं किया, उसके अपने परिवार ने भी नहीं, और उसको सजा मिली जो एक कातिल को मिलती है, जो एक मर्डरर को मिलती है, मारा गया, साइबेरिया भेज दिया गया, 26 सालों तक वो साइबेरिया में है, 26 सालों से साइबेरिया में है, यानी अभी भी उसकी जो सजा है वो खत्म नहीं हुई है. और वहां रहने के बाद में बिल्कुल एक्सेनोव का नेचर बदल गया. हमेशा हंसने और गाने वाला एक्सेनोव अब पूरी तरह से शांत, खामोश रहने लगा. हंसना तो छोड़ दिया, बोलता भी बहुत कम था. लाइव्स ऑफ द सेंट्स एक बुक उसने खरीदी और उससे वो उस किताब को लेके बस जब प्रिजन में इतनी लाइट होती थी कि वो पढ़ सके तो उसे पढ़ता रहता था. बाकी समय में सिर्फ अपने ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की सेवा करना, ईश्वर की प्रार्थना करना, इसके अलावा और कुछ नहीं. संडेस को चर्च जाना, वहां पे कॉयर में हिस्सा लेना, एपिसल पढ़ना, बस. इस मीकनेस के कारण, उसकी इस विनम्रता और शांत रहने के कारण, ना सिर्फ जेल के अधिकारी बल्कि जो फेलो प्रिजनर्स थे, जिसमें बड़े बड़े अपराधी शामिल थे,
सबसे सबके लिए वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटी बन गया। बाहर वाले जो प्रिजन अथॉरिटीज थे वो तो उसे पसंद करते ही थे, जो फेलो प्रिजनर्स भी थे वो उसे ग्रैंडफादर या द सेंट कह के बुलाते थे, महापुरुष कह के बुलाते थे। When they wanted to petition the prison authorities about anything, they always made Aksano their spokesman. And when there were quarrels among the prisoners, they came to him to put things right and to judge the matter. जब अपनी किसी बात की request लेके jail authorities के पास जाना होता था, तो ये बात कहने के लिए वो लोग एक्सनोव को सामने कर दिया करते थे कि एक्सनोव जाके बात करेंगे जेल अथॉरिटीज से, क्योंकि मालूम था अगर एक्सनोव किसी चीज की डिमांड करेंगे तो प्रिजन अथॉरिटीज कभी इस चीज को मना नहीं करेंगे। और कभी जब प्रिजनर्स के बीच में कोई क्वारल होता था, कोई झगड़ा होता था, उस झगड़े का फैसला करने के लिए, सही गलत की पहचान करने के लिए, सारे मैटर को करेक्ट करने के लिए वो एक्सनोव के पास आया करते थे, क्योंकि एक्सनोव बिल्कुल भी बायस नहीं था, किसी का पक्ष लेके नहीं, जो सही है बस उसी पे बात करना। नो न्यूज रीच्ड एक्सनोव फ्रॉम हिज होम एंड ही डिड नॉट इवन नो इफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वेयर स्टिल अलाइव। घर से कोई खबर नहीं आई एक्सनोव के, और वो ये भी नहीं जानता था कि उसके पत्नी, उसके बच्चे जिंदा हैं या नहीं। वन डे अ फ्रेश गैंग ऑफ कन्विक्स केम टू द प्रिजन इन द इवनिंग। द ओल्ड प्रिजनर्स कलेक्टेड अराउंड द न्यू वंस एंड आस्क्ड देम व्हाट टाउन और विलेजेस दे केम फ्रॉम एंड व्हाट दे वर सेंटेंस फॉर। एक दिन फ्रेश गैंग ऑफ कन्विक्स यानी अपराधियों का एक नया गैंग उस जेल में लाया गया। शाम के समय इन द इवनिंग द ओल्ड प्रिजनर्स कलेक्टेड राउंड द न्यू वंस। सारे जितने पुराने अपराधी थे नए अपराधियों को घेर के बैठ गए और उनसे पूछने लगे, नाज देम व्हाट टाउन और विलेजेस दे केम फ्रॉम, आप लोग कौन से शहर से, कौन से टाउन से, कस्बे से आए हो, गांव से आए हो, एंड व्हाट दे वर सेंटेंस फॉर, किस चीज की आपको सजा मिल रही है। Among the rest, Aksanov sat down and listened with downcast air to what they said. सारे लोगों के साथ Aksanov भी वहां बैठे हुए थे चुपचाप, downcast air, depressed, दुखी, sad, निराश, चुपचाप सिर झुका के बैठे रहते हैं और जो भी कुछ वहां बोला जाता रहता है वो Aksanov सुनते रहते हैं। One of the new convicts, a tall, strong man of 60 with a closely cropped grey beard, was telling the others what he had been arrested for. उन सारे नए अपराधियों में एक लंबा चौड़ा 60 years का, लगभग 60 साल का एक आदमी होता है, दाढ़ी सफेद और घनी, और वो दूसरों को बता रहा था कि उसको किस लिए अरेस्ट किया गया। Well, friends, he said, I only took a horse that was tied to a sledge and was arrested and accused of stealing. दोस्तों, मैंने सिर्फ एक घोड़े को जो कि एक स्लेज से बंधा हुआ था, मैंने उसको, उस घोड़े का इस्तेमाल किया, उस घोड़े को निकाल लिया और मुझे चोरी का इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया गया और चोरी का इल्जाम लगा के मुझे अरेस्ट कर लिया गया। I said I had only taken it to get home quicker and had then let it go. मैं तो सिर्फ घर जल्दी जाने के लिए मैंने इस घोड़े को निकाला था और मैं इसमें घर में बैठ के जाता, घर घोड़े में बैठ के घर पहुंचता और इसको मैं छोड़ देता वापस जाने के लिए। Besides, the driver was personal friend of mine. और साथ ही इस घोड़े का जो ड्राइवर है, जो मालिक है, वो मेरा अपना दोस्त है, निजी दोस्त है। So I said, it's all right. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने दोस्त का घोड़ा मैंने लिया घर पहुंचने के लिए, घर पहुंच के मैं उस घोड़े को छोड़ देता, तो इसमें गलत क्या है। No, said they, you stole it. नहीं, तुमने इस घोड़े को चुराया है। But how or where I stole it, they could not say. पर मैंने कहां चुराया, कब चुराया, इस बात को कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बता रहा है। I once really did something wrong and ought by rights to have come here long ago. एक बार तो मैंने सचमुच एक गलत काम किया था और नियम कायदा कानून की बात करें तो मुझे उसी समय यहां जेल में आ जाना चाहिए था। But that time I was not found out. पर उस समय मुझे कोई पकड़ नहीं पाया। Now I have been sent here for nothing at all. अब it's all lies I'm telling you. तो अब
जबकि मैंने सचमुच कोई गलत काम नहीं किया है, मुझे यहाँ ले आए हैं, मुझे सजा दी गई है। फिर बोलते बोलते बोलता है, अरे मैं ये सब झूठ बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू ये सब झूठ है। आई हैव बीन टू साइबेरिया बिफोर बट आई डिड नॉट स्टे लॉन्ग। मैं पहले भी साइबेरिया आ चुका हूँ, इस जेल में बंद हो चुका हूँ, पर मुझे कोई लंबे समय तक की सजा नहीं हुई है। वेयर आर यू फ्रॉम आसमन, कहाँ से हो आप, उस आदमी से पूछते हैं जो मैं बता रही थी कि काफी स्ट्रांग बिल्ट, जो बता रहा था कि मैंने घोड़ा लिया था। फ्रॉम व्लादिमीर, व्लादिमीर एक्सिनो का गांव। माई फैमिली आर ऑफ दैट टाउन, उसी व्लादिमीर टाउन के मेरे परिवार वाले हैं, मेरी फैमिली वहीं की है। माई नेम इज मकार एंड दे ऑल्सो कॉल मी सेमेनिच, मेरा नाम मकार है, लोग मुझे सेमेनिच के नाम से भी बुलाते हैं। एक्सिनो रेज्ड हिज हेड एंड सेड, एक्सिनो ने पहली बार सिर उठाया और कहा, टेल मी सेमेनिच, डू यू नो एनीथिंग ऑफ द मर्चेंट एक्सिनो ऑफ व्लादिमीर। सेमेनिच एक बात बताओ, तुमने कभी व्लादिमीर का एक व्यापारी हुआ करता था एक्सिनो, उसके बारे में कुछ सुना है? Are they still alive? क्या वो लोग जिंदा है, उसका परिवार अभी? नो देम ऑफ कोर्स आई डू, अरे जानने की बात, हाँ बहुत अच्छे से जानता हूँ। द एक्सिनोव्स आर रिच, दो देयर फादर इज इन साइबेरिया एंड अनलाइक आवरसेल्व्स इट सीम्स। एक्सिनोव लोग तो बहुत अमीर हैं, हालांकि उनके पिताजी जो है वो हमारे ही जैसा एक अपराधी है और यहीं पर साइबेरिया में ही है। As for your granddad, how did you come here? लेकिन दादाजी आप बताइए, आप यहाँ कैसे आ गए? Aksinov did not like to speak of his misfortune. Aksinov अपने misfortune, अपने दुर्भाग्य के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते थे। And he only sighed and said, "For my sins, I have been in prison these 26 years." गहरी सांस ली और कहा, मैंने पाप किए हैं और मैं अपने सिंस के कारण, पाप के कारण 26 सालों से जेल में बंद हूँ। What sins? Asked Makar Semenich. Makar Semenich फिर से पूछता है, कौन से पाप किए आपने, कौन सी गलतियां की? But Aksinov only said, "Well, well, I must have deserved it." छोड़िए, मैं शायद डिजर्व करता था, मुझे सजा मिलनी चाहिए थी, इसलिए मुझे सजा मिली है। He would have said no more, but his companions told the newcomer how Aksinov came to be in Siberia. एक्सिनोव ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो एक्सिनोव के कंपेनियंस थे, जो एक्सिनोव के साथी थे, उन्होंने सेमेनिच को बता दिया कि एक्सिनोव कैसे साइबेरिया में आए। हाउ समवन हैड किल्ड अ मर्चेंट एंड हैड पुट अ नाइफ अमंग एक्सिनोव्स थिंग्स एंड ही हैड बीन अनजस्टली कंडेम्ड। किस प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति ने अपने इनके एक फेलो मर्चेंट का मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद में वो जो नाइफ था उसको इनके सामान के बीच में डाल दिया और बहुत ही अन्यायपूर्ण ढंग से एक्सिनोव को सजा हो गई। When Makar Semenich heard this, he looked at Aksinov, slapped his own knee and exclaimed, "Well, this is wonderful, really wonderful." मकार सेमेनिच ने जब इस बात को सुना तो वो बड़े ध्यान से देखा एक्सिनोव को, फिर अपने ही घुटने पे एक ऐसे स्लैप करते हुए आश्चर्य किया, ये तो बहुत आश्चर्य है, सचमुच बहुत आश्चर्य है। बट हाउ ओल्ड यू हैव ग्रोन ग्रैंडडैड, पर दादाजी आपकी उम्र कितनी हो गई? द अदर्स आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज सो सरप्राइज्ड एंड वेयर ही हैड सीन एक्सिनोव बिफोर। दूसरे लोगों ने पूछा कि तुम इतने आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो, तुम इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हो, और इससे पहले तुमने एक्सिनोव को कहाँ देखा है? बट मकार सेमेनिच डिड नॉट रिप्लाई, पर मकार सेमेनिच ने कोई भी जवाब नहीं दिया। ही ओनली सेड, उसने सिर्फ इतना कहा, इट्स वंडरफुल दैट वी शुड मीट योर लैड्स, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ये बहुत आश्चर्यजनक है कि हमको यहाँ मिलना था। दीज वर्ड्स मेड एक्सिनोव वंडर whether दिस मैन न्यू हु हैड किल्ड द मर्चेंट। इन शब्दों पे एक्सिनोव को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, उसने अंदाज लगाया कि क्या ये सेमेनिच जानता है कि उस व्यापारी का मर्डर किसने किया था? सो ही सेड, "Perhaps सेमेनिच यू हैव हर्ड ऑफ दैट अफेयर और मे बी यू हैव सीन मी बिफोर." सेमेनिच, शायद तुमने उस मामले के बारे में सुना है या तुमने मुझे पहले कभी देखा होगा। हाउ कुड आई हेल्प हियरिंग, सुना कैसे नहीं सुना होता, द वर्ल्ड्स फुल ऑफ
rumors. पूरी दुनिया में अफवाह फैलती है. बस लॉन्ग एगो, पर बहुत पहले सुना था. एंड आई हैव फॉरगॉटन व्हाट आई हर्ड. जो भी मैंने सुना था मैं सब कुछ भूल चुका हूँ. Perhaps you heard who killed the merchant, asked Aksino. शायद तुमने ये सुना हो कि उस व्यापारी का कत्ल मर्डर किसने किया. मकार सेमेनिच laughed and replied. हंसते हुए मकार सेमेनिच ने जवाब दिया. It must have been him in whose bag the knife was found. मर्डर तो उसी ने किया होगा जिसके बैग में चाकू मिला है. If someone else hid the knife there, he is not the thief till he's caught, as the saying is. वही मर्डरर है, वही कातिल है जिसके बैग में चाकू था. और अगर वो कातिल नहीं है, किसी दूसरे ने उसके बैग में वो चाकू डाला था, तो उसको चोर जब तक नहीं कहा जाएगा, तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक कि उसे पकड़ ना लिया जाए. वही बोलते हैं ना, जब तक चोरी पकड़ी ना जाए तब तक चोर चोर नहीं होता. जैसी सेइंग है, कहावत है, हाउ कुड एनीवन पुट अ नाइफ इनटू योर बैग व्हाइल इट वाज अंडर योर हेड. कोई दूसरा आदमी आपके बैग में चाकू कैसे डालेगा. बैग तो आपका आपके सिर के नीचे था. इट वुड श्योरली हैव वोक यू अप. अगर आपके सिर के नीचे के बैग में कोई चाकू डालेगा तो उससे तो आपकी नींद खुल जानी चाहिए. When Aksino heard these words, he felt sure this was the man who had killed the merchant. Aksino ne jab in shabdon ko suna to wo confirm ho gaya. He felt sure ki ye wahi aadmi hai jisne us merchant ka murder kiya hai. Usne kabhi kisi ko ye baat nahi batayi thi ki bag uske sir ke niche tha. अब ये बात जब एक्सिनोव ने किसी को नहीं बताई थी तो ये सेमेनिच को कैसे पता चल गई कि बैग तुम्हारे सिर के नीचे था. अगर कोई दूसरा आदमी उसमें चाकू रखता तो तुम्हारी नींद खुल जाती. ये सेमेनिच कैसे जान गया. इसका मतलब कि वो मर्डर सेमेनिच ने किया है. ही रोज एंड वेंट अवे. चुपचाप उठे एक्सिनोव, वहां से चले गए. All that night Aksinov lay awake. सारी रात Aksinov जागते रहे. He felt terribly unhappy and all sorts of images rose in his mind. बहुत दुखी रहे और दिन पूरी रात तरह तरह के images, तरह तरह के चित्र उनकी आंखों के सामने घूमते रहे. There was the image of his wife when he parted from her to go to the fair. अपनी पत्नी को देखा जब उस फेयर के लिए निकल रहे थे. वो उस मेले में जाने के लिए तो उनकी पत्नी ने जिस तरह से उन्हें रोका था. He saw as if she were present. Her face, her eyes rose before him. He heard her speak and laugh. अपनी पत्नी का ध्यान आया जैसे सामने खड़ी है. उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका बोलना, उसका हंसना. Then he saw his children quite little as they were at that time. अपने बच्चों को देखा एकदम छोटे छोटे. One with a little cloak on, other at his mother's breast. एक एकदम छोटा सा बच्चा कोट पहने हुए, एक अपनी माँ की गोद में. And then he remembered himself as he used to be young and merry. उसके बाद स्वयं को देखा, एकदम young और खुश. He remembered how he sat playing the guitar on the porch of the inn where he was arrested, and how free from care he had been. याद आया उसे कि कैसे बैठ के वो गिटार बजा रहा था इन सराय के पोर्च में जहां उसे अरेस्ट किया गया. सारी चिंताओं से मुक्त था वो. He saw in his mind the place where he was flogged, the executioner and the people standing around, the chains, the convicts, all the 26 years of his prison life and his premature old age. उसने देखा उस जगह को जहां उन्हें उसे फ्लॉग किया गया, जहां उसे कोड़े लगाए गए. वो एग्जीक्यूशनर, वो सजा देने वाला जो कोड़े मार रहा था.
सारे लोग उसे घेर के खड़े हुए। वो जंजीर है, वो अपराधी है। 26 सालों की प्रिजन लाइफ, 26 साल जेल में गुजारे हुए, 26 साल और समय से पहले उसका बूढ़ा हो जाना। The thought of it all made him so wretched that he was ready to kill himself. ये सारी बातें उसके मन में इतना पजल्ड कर देती हैं उसे, इतना ज्यादा उसे मिजरेबल महसूस होता है कि वो आत्महत्या करने को तैयार हो जाता है। And all this villain's doing, ये जो सब कुछ उसने भुगता, परिवार से दूर, 26 साल साइबेरिया में रहना, ये सब इस बदमाश के कारण, सेमिनिच के कारण, थॉट एक्सेनोव सोचते हैं। And his anger was so great against Makar Semenich that he longed for vengeance. इतना तेज गुस्सा, इतना ज्यादा क्रोध आया उनको मकार सेमेनिच के ऊपर कि उनके मन में बस एक भावना आ गई कि अब तो मैं इससे वेंजेंस यानी बदला लूंगा। इवन इफ ही हिमसेल्फ शुड पेरिश फॉर इट, और अब भले ही मुझे दोबारा सजा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर मैं इससे बदला लूंगा। ही केप्ट सेइंग प्रेयर्स ऑल नाइट बट कुड गेट नो पीस। पूरी रात अपने मन को शांत करने के लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, लेकिन कोई शांति नहीं मिली। ड्यूरिंग द डे ही डिड नॉट गो नियर मकार सेमेनिच नॉर इवन लुक एट हिम। दिन में एक भी बार वो मकार सेमेनिच के करीब नहीं गए एक्सेनोव, यहां तक कि उसकी ओर आंख उठा के भी नहीं देखा। अ फोर्टनाइट पास दिस वे, 15 दिनों का टाइम ऐसे ही निकल गया। एक्सेनोव कुड नॉट स्लीप एट नाइट्स। एक्सेनोव रात भर नहीं सो पाते थे एंड वो सो मिजरेबल दैट ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और इतना परेशान हो गए थे कि समझ नहीं आता था कि अब करें तो क्या करें। One night, as he was walking about the prison, he noticed some earth that came rolling out from under one of the shelves on which the prisoners slept. एक रात की बात है, जेल में ऐसे ही पैदल टहल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि शेल्व्स बने हुए थे, उन शेल्व्स में अपराधी लोग सोते थे, एक के ऊपर एक ऐसे शेल्व्स है, वहां अपराधी सोया करते थे। तो उन्होंने देखा कि एक शेल्फ से थोड़ी सी मिट्टी नीचे गिरी। He stopped to see what it was. वो रुके ये देखने के लिए ये क्या है। Suddenly Makar Semenich crept from under the shelf. तभी उस शेल्फ जो सोने का स्लैब बना हुआ था सोने के लिए, उसमें से धीरे से निकल के आया Makar Semenich. And looked at Aksenov with frightened face. और जैसे ही उसने एक्सेनोव को देखा वो डर गया, जैसे कोई चोरी उसकी पकड़ी गई। एक्सेनोव ट्राइड टू पास विदाउट लुकिंग एट हिम। बिना देखे एक्सेनोव धीरे से निकलने लगे, ध्यान नहीं दिया। बट मकार सीज्ड हिज हैंड, पर मकार सेमेनिच ने हाथ पकड़ लिया एंड टोल्ड हिम दैट ही हैड डग अ होल अंडर द वॉल गेटिंग रिड ऑफ द अर्थ बाय पुटिंग इन टू हिज हाई बूट्स एंड एम्प्टीइंग इट आउट एवरी डे ऑन द रोड व्हेन द प्रिजनर्स वेयर ड्रिवन टू देयर वर्क। हाथ पकड़ के बताया, देखो मैंने ये दीवार के नीचे एक होल बनाया है, एक छेद बनाया, सुरंग बनाई है। मैं रोज यहां से मिट्टी खाली करता हूं और जो बड़े बड़े जूते हैं उसमें मिट्टी भर के मैं जाता हूं। जब काम पे ले जाते हैं तो मेरे जूतों में मिट्टी भरी रहती है और उसको मैं ले जाके वहां फेंक देता हूं। और अब मैंने एक सुरंग तैयार कर ली है। जस्ट यू कीप क्वाइट ओल्ड मैन एंड यू शैल गेट आउट टू। तुम चुप रहना बूढ़े आदमी, मैं तुमको भी यहां से बाहर ले जाऊंगा। इफ यू ब्लैब दिल फ्लॉग द लाइफ आउट ऑफ मी एंड आई विल किल यू फर्स्ट। लेकिन अगर तुमने ये बात ब्लैब यानी किसी को अनावश्यक रूप से बताई तो वो लोग तो मुझे मारेंगे, मुझे कोड़े मारेंगे, पर मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। एक्सेनोव ट्रेम्बल्ड विथ एंगर एज ही लुक्ड एट हिज एनिमी। जैसे ही एक्सेनोव ने अपने शत्रु को देखा गुस्से से कांपने लगा। ही ड्रिव हिज हैंड अवे सेइंग, आई हैव नो विश टू एस्केप एंड यू हैव नो नीड टू किल मी, यू हैव किल्ड मी लॉन्ग एगो।
उसने अपना हाथ छुड़ाया सेमेनिट से और कहा, मैं बचना नहीं चाहता, यहां से भागना नहीं चाहता, और तुमको मुझे मारने की कोई जरूरत नहीं, तुम तो मुझे बहुत पहले मार चुके हो। As to telling of you, I may do so or not as God shall direct. जहां तक तुम्हारे बारे में रिपोर्ट करने की बात है, जहां तक तुम्हारे बारे में बताने की बात है, ईश्वर की मर्जी होगी तो मैं बताऊंगा, नहीं होगी तो नहीं बताऊंगा। Next day, when the convicts were led out to work, the convoy soldiers noticed that one or the other prisoner emptied some earth out of his boots. अगले दिन जब अपराधियों को काम करने के लिए ले जाया गया, तो जो कन्वॉय सोल्जर्स थे, जो चौकीदार सैनिक थे, उन्होंने देखा कि किसी प्रिजनर ने अपने जूतों से, जूतों में भरी हुई मिट्टी खाली की है। द प्रिजन वॉज सर्च्ड एंड द टनल फाउंड। पूरे प्रिजन को सर्च किया गया और सुरंग मिल गई। द गवर्नर केम एंड क्वेश्चन ऑल द प्रिजनर्स टू फाइंड आउट हु हैड डग द होल। जो प्रिजनर अथॉरिटी थे, गवर्नर, वो आए, उन्होंने सारे प्रिजनर्स से पूछा, बताइए ये सुरंग किसने बनाई है। दे ऑल डिनाइड एनी नॉलेज ऑफ इट। सारे जितने प्रिजनर्स थे, उन्होंने कह दिया, हमको तो कुछ नहीं मालूम। दोज हु न्यू वुड नॉट बिट्रे मकार सेमेनिच, नोइंग ही वुड बी फ्लॉग्ड ऑलमोस्ट टू डेथ। जो जानते थे, वो मकार सेमेनिच को धोखा नहीं देना चाहते थे, क्योंकि मालूम था बता देंगे तो इसको इतनी मार पड़ेगी कि इसकी जान निकल जाएगी। At last the governor turned to Aksinov, who he knew to be a just man, and said, "You are a truthful old man. Tell me before God who dug the hole." अंत में गवर्नर एक्सनोव के पास आए और उन्होंने कहा, जो एक्सनोव को जानते थे कि बहुत न्यायप्रिय आदमी है, तुम बहुत ही सच्चे बुजुर्ग हो, बताओ, ईश्वर के लिए बताओ, ये सुरंग किसने खोदी है। अब आपको क्या लगता है, वो व्यक्ति जिसने 26 सालों तक अपराध किसी और का और सजा किसी और को, सजा भुगती, जिसका सारा दोष सेमेनिच पे है, अब मौका है एक्सनोव को रिवेंज लेने का, बदला लेने का। उनको सिर्फ एक्सनोव की तरफ इशारा करना है, सॉरी, सेमेनिच की तरफ इशारा करना है, और सेमेनिच को तुरंत पकड़ लिया जाएगा और इतना मार पड़ेगी कि उसकी जान निकल जाएगी। ये सोचने की बात है कि जो अनजस्टली, बिल्कुल अन्याय के तरीके से एक्सनोव ने इतनी ज्यादा सजा भुगती, रॉन्ग डूइंग्स थी मकार सेमेनिच की, भुगत रहा है एक्सनोव। और अब जब मौका आया है कि एक्सनोव अपना बदला ले सकते हैं, क्या इस बात को वो ओपन करेंगे या नहीं, वी विल सी इन द नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू।